गुड मॉर्निंग, सुबह का 8 बज रहा है। मैं हम लोग ऊपर सोए थे तो फिर मैं जा रही हूँ नीचे। मेरी गला फिर से दुख रहा है और इतनी बारिश लगी है यार कल से। फंक्शन तो बहुत अच्छा हो गया था हमारा, बट बारिश बहुत लगी हुई है। देखो आप 8 बजे का मौसम ना, शिमला वाली साइड स्नोफॉल हो रहा होगा। मौसम कितना अच्छा लग रहा है ना, मतलब व्यू कितना प्यारा लग रहा है बारिश वाला। नीचे आके देखा मैंने, सब लोग उठ गए हैं। मम्मी ने बनाई है चाय। चाय लेके बाहर अंजलि, चाय किसने बनाई है? मम्मी ने, बस मीठा ज्यादा ना, और तो बाकी तो ठीक। हाँ भाभी, कितने बजे उठे थे? 7:30। मामी जी हमारे लेट हो गए थे क्योंकि मामा, दूसरे मामा जी है उनकी ना तबीयत खराब हो गई। मामी जी, मम्मी को पता चला ना हम ऑफिस जा रहे थे, मम्मी रोने के। हाँ मिंडा मामा अभी ठीक है ना मामी? और मामी मना कर रही मैंने नहीं आना, वो बीमार है। फिर मामी शाम को आए रात को, तो मम्मी अभी गिफ्ट दे रही मम्मी को और मामी हार डाला। और ये है हमारी तरफ से मामी जी को, और दूसरी निशा मामी जी को भी लेके जाना है, तो देखते हैं वो मामी जी लेके जाएंगे, फिर मम्मी जब जाएंगी तब लेके जाएंगी। बिंडा मामा तो आप बोल रहे थे ना सबकी, वो एकदम रेडी होके बाहर आए कि मैं जा रहा हूँ, कह रहे एकदम से पसीना आया। हाय भारत, तभी गाड़ी लेके आप तो मना ही कर रहे थे आने के लिए। मैं बोला मामी आ जाओ शाम को। हाँ ये मैं, इन्होंने मेरे को नहीं बताया कि हम लोग टेंशन कर लेंगे, तो फिर पहुंच के कह रहे ईसीजी वगैरह हुई तो ठीक है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल हाई है उनका। फिर भी नहीं आए, फिर शाम को आ रहे हो, 8 बजे पहुंच रहे हो। हाँ जी तो है, नहीं शायद दिल्ली वाले बोल रहे कि मम्मी को मत बताना। मैं उनको बोलूँ मम्मी ने तो हमको बताया, इन्होंने घबराहट हो गई, इनको बिठाया फिर पानी पुनी पिलाया। नहीं बिंडा वो बोल रहे थे वैसे कि शाम को मैं बहुत खुश, फिर ऐसे अच्छा भी नहीं लगता ना मैं बोलूँ कि आओ आओ ना, कि वो ईसीजी वगैरह करा के आए हैं। मम्मी कह रहे बाद में फोन करके बताओ मेरे को कुछ और तो नहीं बात, हम झूठ तो नहीं बोल रहे कहीं ऐसे। मम्मी लगता नहीं इनको कि अब हम झूठ बोल रहे हैं इनको। पूरी स्टेज पे रोंदे रहे मम्मी, वाह मम्मी ने याद करके, फिर डैडी ने याद, सारे याद आ जाते हैं। हाँ धुंधा हुआ था, चल कोई नहीं मामी ठीक ठाक रहे, आप आ गए मामा आ गए, एक ही बात है आप आ गए नानके आ गए पूरे। दुकान पर आज मन पसंद ले लियो अपने आप, मैं तो बहुत। मम्मी ने ही पैकिंग करी है। सीमा मामी जी आपकी, शिमा मामी जी का शगुन, शगुन मामी के पास पकड़ा दो। मेरी गल सुन, तेरा बीच पाता वा इन्हां दा उपर रख दिंदी है, इको जे है वो भी तेरे सामने है। आ ले ए इदा देख ले, ठीक है देख ले, देख के चल सगना दा है ना बीच। हम लोग छोड़ने जा रहे हैं नेहा, सुनीता भाभी को स्टेशन, उनकी ट्रेन है 2 बजे की, सो वो लोग आएंगे। आओ जल्दी, लेट हो जाएगा। और मौसम देखो कितना बारिश वाला, इतना ठंडा हो गया। तो इमोशनल है ना जाने के टाइम पे, हो जाता है। चले फिर जल्दी, गर्मियों की छुट्टियों में मिलते हैं। हाँ, मई में, अप्रैल मई में। बाय परी। आंचल को बर्गर बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उसके लिए बर्गर पैक करा के लेके जाऊंगी। बुआ जी के लिए पपीता लेके जाना है, फुफ्फड़ जी को लस्सी अच्छी लगती है वो लेके जानी है, जिसको जो जो पसंद है वो लेके जाना है। बर्गर पैक कर दो, 4-5 बर्गर मैंने पैक करा लिए सबके लिए। मुझे लेना है दही और प्रीति के लिए बनाना और कुरकुरे, मेरे लिए कुरकुरे। आज सब हम फास्ट फूड खाएंगे। भैया
दही दे दो, आधा किलो दही और 5 पैकेट 6 पैकेट मैंने कुरकुरे के कर लिए जी, और बुआ जी के लिए पपीता लेके जाऊंगी क्योंकि मेरे बुआ जी और फुफर जी को लस्सी बहुत पसंद है, सुबह वो लस्सी मांग रहे थे तो मैंने लस्सी नहीं दी, मैंने दही ले लिया, उसकी लस्सी बना के देंगे। गर्मा गर्म गजरेला भी बन रहा है, दही हो गया, कुरकुरे हो गए, मेरे को मन कर मैं भी खा लूँ कुरकुरे, अमरूद भी अच्छा लगता है मेरे को भी, आंचल को वो भी लेके जाऊंगी मैं आज। अभी लेना है पपीता, बनाना। भैया अमरूद तो मेरे को ऐसे लग रहे हैं, पपीता दो ले लेती हूँ, ये दोनों मम्मी के लिए एक बुआ जी के लिए, मतलब एक आज खा लेंगे वाले एक कल खा लेंगे। भाई नारियल पानी कितने का बढ़ने, गर्म है देखो ठीक है, मैंने पहले अपना बर्गर ले लिया, मेरा बर्गर मेरे को मिल जाए। अमरूद भी है, अब वो तो मम्मा के हो गए ना। नहीं आपका भी है। नहीं मतलब वो भी खाएंगे। हाँ गुड मॉर्निंग, मम्मी और प्रीति गए हैं किसी काम से, मैं और आंचल कर रहे हैं काम, मैंने बनाई कड़ी, आंचल ने बनाई दाल, और ना रिटायरमेंट का फंक्शन मेरा इतना अच्छा है, मैं इनके व्लॉग्स अभी एडिट करके डाल रही हूँ, कमर में इतनी ज़्यादा दुख रही है, हेल्प के लिए वैसे तो हैं हेल्पर लेकिन फिर भी बहुत सारा काम हो जाता है यार, इसलिए ना पहले हम लोगों ने डिसाइड किया था हम लोग ना फंक्शन बाहर करेंगे, और मम्मी बोले कि नहीं घर पर करना है, और मम्मी ये भी डिसाइड किया था कि फंक्शनल दिन बारिश थी, मैंने सोचा उस दिन रिटायर होकर आप आ जाओ उसके बाद हम पार्टी करेंगे, पर मम्मी को था कि जिस दिन जो चीज़ जैसे है ना उसी दिन वो करने, फिर हमने भी ज़्यादा वो बहस नहीं करी, बट घर पे जॉब करते रहो उसके बाद आपको बहुत काम हो जाता है, सब चीज़ें ऐसे फैली हुई है, कोई उठाने नहीं आ रहा, और हमारा प्रोग्राम रात को डीजे नाइट करने का भी था वो भी नहीं हम लोग कर पाए क्योंकि बारिश हो गई थी, लेकिन हम लोगों ने खूब इन्जॉय किया, और बुआ जी हमारे इधर हैं, अभी हमको शादी है कल परसों की शादी है, और उसमें भी जाना है, उसकी भी तैयारी करनी है, तो फिर इसलिए हम ना खाने का सामान फिनिश कर रहे हैं, हो सकता है हम लोग मार्केट जाएं शाम को क्योंकि मुझे मोटा सूट लेना है और कल हमको कहीं जाना है, मतलब जितने भी दिन है ना हमारे पास बस जाना है आना है, आज ही घर पे थी मैं, और मैं नहा के सुबह सुबह आज रेडी हो गई थी, उसके बाद घर का जो काम था वो कर रहे हैं, घर का उतना काम नहीं होता बट फिर भी इधर जाओ उधर जाओ ये करना वो करना चलते रहो, इतना बड़ा घर है, और मैंने आज ये स्वेटर पहना है, इससे पहले जो पहना था वो भी ग्रे कलर का और ये भी ग्रेश कलर का है, मोटा सा पहना मैंने वो जिस दिन पहना था उसके अगले दिन उस पर बुर आ गया सारा यहाँ पे, और लेंट्री में बुर मैं घर पर छोड़ गए, तो जब भी मैं बुर देखती हूँ मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है कितना बुर आ रहा है। फोन किया मैंने कब आओगे, बोले अभी टाइम लगेगा आने में, तो फिर हम लोग का ऑलमोस्ट काम हो गया, झाड़ू लेके आए, बाहर भी सफाई हो गई है, डीप वाला नहीं हुआ है बट फिर भी हो गया है, दाल बन गई, कड़ी बन गई, गोभी बनाने का मन था लेकिन क्या हुआ कि गोभी अजीब सी लग रही थी, और यार बरकत नहीं होती गोभी में ना, ऐसे हम लोग इतने सारे हैं तो फिर उसमें इतना वो नहीं होता, मतलब बना लो आप तो फिर बरकत जैसी नहीं होती, पनीर भुर्जी बनाना आसान है इसलिए फिर हमने दो चीज़ें बनाई, और मूंग दाल बनाने का सोच रहे थे वो मिली नहीं मेरे को, काम आ गए हो ऊपर टेंट लगा हुआ था तो कितनी रौनक थी, अभी सब हटा रहे हैं और सफाई हो रही है ना, तो बहुत अच्छा लगता है, और जब निकलते हैं ना सामान कलेक्ट करते हैं तो ऐसे लगता है यार कितना खिला रहा है, कुछ ना कुछ देखने को मिलता है, मैं सोच रही हूँ पूरी थोड़ी बहुत से अपने कपड़े सेट किए, और पता नहीं मेरे कान में क्या हो रहा है, तो मैं थोड़ा कान को देख रही थी, और हेयर स्टाइल बनाया, झाड़ू मारने का मैंने सोचा मैं थक गई का मैंने मारना झाड़ू, जो चाय बनाऊँ तो चाय बनाने का सामान नहीं है, ऊपर चीनी भरती मुझे मिले नहीं किधर रखे अभी तेने, फिर उनका अभी हाथ धोती हूँ अच्छे से, फिर नीचे से लेके आके फिर ऊपर चाय बना के पीते, मैं इंतजार कर रही प्रीति आए आए आए, तो वो अभी आई नहीं, उसको आने में काफ़ी टाइम लग जाएगा 2-2.5 घंटा, तो पहले मैंने जब झाड़ू पोछा रखा था फिर उसे फिर लगाऊंगा, मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, गंदा नहीं है मतलब साफ है, प्रीति ने कल झाड़ू लगाया था, कपड़े थे मेरे बैग में वो मैंने सब डाले इसमें और इनके में और अपने में यहाँ पर रख दिया। हाँ जी हाय, हम बताए चाय बनाने का सोच रहे थे। अरे दीदी तुम भी क्या बात करते, चलो कोई नहीं ये खाएंगे अमरूद, मैंने आप खाते हो आपके लिए काट के लेके आई थी स्पेशल, नहीं मैं खाती तो हूँ चाय नहीं पी हुई है हाँ। तब आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा, कलर अच्छा लग रहा है मुझे बट थोड़ा लॉन्ग हो तो मैं ले लेती हूँ, वो भी भैया छोटा ही है फुफड़ जी, चाय तुझे चाहे चीनी दीपू चाहे, हाँ 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 अभी चाय बनाएंगे ताया जी के लिए, ताया जी चीनी तेज पींदे
कम पिया करो। रात का बज रहा है 11:10 और हम लोगों इतने गप्पे मारे फुफ्फड़ जी बुआ जी। एक्चुअली हमको शादी है तो इसलिए हम भी रुके हैं, बुआ जी भी रुके हैं। बुआ जी को उसके बाद जाना है अपने गांव, फिर वापस बुआ जी लेट जाएंगे दिल्ली, दिल्ली वाले जो मेरे बुआ जी हैं। सो वो आज भी हमारे घर में सोए, कल भी हमारे घर में सोए थे। ताया जी और हमारा घर पास पास में है तो दिन में इधर रहेंगे या रात में उधर, या रात में इधर दिन में उधर, ऐसे हो जाता है। तो मम्मी बुआ जी प्रीति एक रूम में, मैं और ये, और दूसरे में आंचल और दीपू। पहले हमने सोचा था ऊपर सोएंगे, दो दिन ऊपर सोए, लेकिन कल भी नीचे सोए थे, आज भी नहीं सोए। और मैं और आंचल गए थे, मैं आंचल ये दीपू, हम लोग गए थे मार्केट, एक दो सूट लेने थे गर्म, एक मेरे को पहनना है क्योंकि कल हमको जाना है। और मैं अपने ना गर्म सूट नहीं लेके आई हूँ, तो कुछ जगह ऐसे होते हैं यहाँ पे आपको सूट पहनना पड़ता है, अभी ठंड बहुत है तो आपको गर्म सूट पहनने का बहुत मन करता है, और नहीं पहनोगे तो बीमार पड़ जाओगे। आप हर जगह पे जीन्स टॉप या फिर लोअर टी शर्ट नहीं पहन सकते। आज बिल्कुल टाइम नहीं लगा व्लॉग बनाने का, बहुत बहुत कम मैंने ब्लॉग बनाया, इसलिए मैं रात के टाइम पे बाहर लाइट बंद करने की वजह से थोड़ा सा तो ब्लॉग बनाऊँ, थोड़ी सी बातचीत करूँ। तो जो सूट मैंने देखा, मैंने वही वाला लिया है। और हम सुबह उठेंगे जल्दी से, हम सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी उठेंगे, बट ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि सब लोग अभी तो बहुत जल्दी से मिले, शादी में मिलते हैं फिर से मिले, अभी सब फिर अपनी अपनी जगह चले जाएंगे, फिर कब मिलना होगा, तो इसलिए हम बहुत सारी बातें करते हैं, स्पेशली बुआ जी के साथ। बुआ जी तो हमको ऐसा लगता है ना, पता नहीं कोई ऐसा इंसान वापस आ गया ना हमारी ज़िंदगी में जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं था, मतलब बीबी जैसे लगता है ना। और ये मैं दूसरी पीढ़ी, मतलब जैसे बुआ जी का ये घर है ऐसे मेरा भी ये घर है, मैं शादी करके चली गई हूँ, तो वो कितना वो लगता है ना, कल को ऐसे ही आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें बढ़ती रहेंगी। ऐसे फुफ्फड़ जी हमारे जवाई है, फिर ये जवाई है ना, इसके आगे ऐसी चीज़ें बढ़ती रहेंगी, चीज़ देख के ना एक जनरेशन दूसरी जनरेशन ये देख के काफ़ी अच्छा लगता है। हम लोग यही बातें कर रहे थे आजकल, जैसे बहुत सारी बातें की, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, आप ये कर सकते हो वो कर सकते हो। एंड फिर हम किराएदार की बात कर रहे थे, जैसे फुफ्फड़ जी के भी किराएदार है तो हमने भी जैसे घर पे रेंट पे दिए हुए, तो किराएदारों की बातें करने लग पड़े, फिर पता नहीं चलता तेरे कैसे निकल रहा था। फिर ज्वार की रोटी बिना तेल के खाना, ऐसे वैसे वगैरह हम आपकी वीडियो देखते हैं। फिर एक सब्सक्राइबर आए थे हमारे घर में कार्ड देने के लिए, वो भी मेरा व्लॉग देखते थे और उन्होंने भी वो रोटी खाई, मतलब ज्वार बाजरा ज्वार रागी जो भी है, तो वो बोल रहे थे कि मुझे बहुत बेनिफिट्स मिले। तो आज का दिन सब इस तरह से निकल गया। और रिटायरमेंट का जो वीडियो है वो हम वेट कर रहे हैं कि आ जाए, हम देख के जाए। शादी का वीडियो आ गया बट हम लोग देख ही नहीं पाए क्योंकि इसके बाद मेरे एक दूसरे बुआ जी, नीलू बुआ जी, उनकी बेटी की शादी है तो हम उसकी प्रिपरेशन में लगे हुए थे। और फिर कल हमको जाना है, वो मैं आपको भी बता नहीं सकती हूँ, उसकी भी हम लोग तैयारी कर रहे थे। और फिर घर का काम आपको पता है रिटायरमेंट के बाद बहुत सारा हो जाता है, तो आज काफ़ी सारा काम निकला है और आंचल ने बहुत हेल्प करी है, बहुत बहुत ज़्यादा। मैं भी लगी हूँ साथ में, चाची भी आते हैं, मम्मी भी, सब लोग लगते हैं, लेकिन ऐसे ना खड़ी लगता है हम लोग, सिर्फ टांगे ना से दुख रही है और अच्छा भी लग रहा है, एंड ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। और हम लोग ना मतलब शादी के टाइम पे एक दूसरे से बात की थी, फिर मैं पटना चली गई थी, फिर इतना इंट्रैक्शन नहीं हो पाया था जितना अभी हो रहा है, स्पेशली आंचल के साथ। आज मैं और आंचल ही घर पे थे तो हम लोग ने इतनी गप्पे मारी और चाय बहुत पी, और फिर मिलजुल के फटाफट से काम कर लिया है ना। और मेरे को थोड़ा सा लगा था यार, मतलब वो इतना ना मैंने एक्सपेक्टेड, मतलब मैं नहीं चाहती हूँ ना कि वो इतना सारा काम करी है ना, जब वो करती है तो फिर मेरे को थोड़ा जैसे लगता है। पर फिर मैं अभी फटाफट से साथ में लग जाती हूँ कि चलो साथ में मिल के फटाफट से कर ले, बट मेरे को अच्छा नहीं लगता, होते हेल्पर जैसे हेल्प के लिए भी होते हैं, बट आपको पता है यार जितना मर्जी आप हेल्पर रखो या फिर कुछ भी करो, आपको थोड़ा बहुत तो साथ में लगना पड़ता है, थोड़ा के बहुत ही लगना पड़ता है कि आपको अपने घर का पता होता है।